Never miss a moment of 2014 FIFA World Cup. I, me and my live sports dot in, simply sportainment. यदि अकबर अपनी पूरी सेना के साथ हम पर आक्रमण करता है तो मारवाड़ के सबसे बहादुर सैनिकों की टोली और हमारा अश्वरोही दल आपके लिए मुगलों से भिड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राव मालदेव जी। धन्यवाद कैसा राणा उदय जी, आपके साथ संबंध है और यदि आवश्यकता पड़ी आपकी रक्षा के लिए तो हम स्वयं अपनी सेना लेकर वहां पहुंच जाएंगे। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं राव मालदेव जी। आभार प्रकट ना कीजिए उदय सिंह जी, आप हमारे समधी हैं, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, आपका सम्मान हमारा सम्मान है। यदि कोई भी शत्रु आपकी ओर आंखें उठाकर भी देखेगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो हमें ललकार रहा है। खंभा घड़ी हुकुम, खेरवा से मैं आपके लिए जैत जी का संदेश लेके आया हूं हुकुम। क्या हुआ राव मालदेव जी? राज राणा जैत सिंह का संदेश है। खेड़वा की सीमा पर मेवाड़ के कुछ सैनिकों ने उत्पात मचा रखा है। क्या राणा उदय जी, ये सब क्या हो रहा है? खेड़वा हमारा ससुराल ही नहीं, मारवाड़ की महत्वपूर्ण रियासत भी है। यदि मेवाड़ के सैनिक वहां उत्पात मचाएंगे, वहां अशांति और असुरक्षा का वातावरण पैदा करेंगे तो ये किसी भी कीमत पर हमें स्वीकार नहीं होगा। नहीं नहीं राजा मालते, अवश्य ही कोई साधारण सी भूल हो रही है कहीं, और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि अति शीघ्र सुलझ जाएगी। हम स्वयं वहां जाएंगे और इस समस्या को दूर कर देंगे। नहीं नहीं रावत जी, हम स्वयं जाएंगे और देखेंगे कि बात क्या है। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच किसी प्रकार का विवाद आपको क्या, आपसे पहले हमें स्वीकार नहीं है। वैसे भी खेरवा आपका ससुराल है राव मालदेव जी, इसलिए वहां की शांति हमारे लिए भी मूल्यवान है। आप हमारे ससुराल तो जा ही रहे हैं, तो जय सिंह जी के लिए हमारा एक संदेशा भी लेते जाइए। अवश्य। फलदान की सारी तैयारियां करवा के रखिए, हम इस संकट को शीघ्र से शीघ्र सुलझा कर फलदान से पहले ही वापस लौटेंगे। आप यहाँ की चिंता क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो तैयारियां आरंभ भी हो चुकी हैं। आप अपना पूरा ध्यान जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वहां लगाएं। एक मिनट जी, आपको शीघ्र सफलता। ठीक है, चलते हैं। बालक, क्या मंगाएं आपके लिए? दूध मंगाएं? जी नहीं, हमारे दूध पीने का वक्त तो गुजर चुका है। दरअसल ये तो हमारे सोने का वक्त, इजाजत चाहते हैं। अले ले 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 ले। देखो देखो, न जाने किस कठोर व्यक्ति ने इस दूध पीते हुए बच्चे पर व्यापार का इतना बोझ डाल दिया है। वैसे तिजारत के मामले में जरा होशियार ही रहिएगा चाचा, कहीं ऐसा ना होना होना कि हमारी तिजारत के सामने कहीं टिक ही नहीं पाया। आया आया
मेवाड़ से जुड़ी खेरवा की सीमा पर मेवाड़ के सैनिकों ने जो उत्पात मचाया है उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं जैत सिंह जी। आज रात को हम सीमा पर खेमा लगवा कर यहाँ के सारे विवाद सुलझा देंगे। क्षमा तो हमें आपसे मांगनी चाहिए राणा जी, इतनी छोटी सी समस्या के लिए आप मेवाड़ से यहाँ तक चल के आए। ऐसा कहकर हमें लज्जित मत कीजिए, ये तो हमारा कर्तव्य है। राव मालदेव जी ने ये संदेशा आपके लिए भिजवाया है। पीछे अब हम चलते हैं। राजा जी आपसे विवाह नहीं कर लेंगे स्वयं चैन से नहीं बैठेंगे। ये संदेश नहीं मीठे शब्दों में कठोर फरमान है, इसलिए राजा जी ने नहीं 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 दादा, हम ये विवाह नहीं कर सकते। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें उनसे बचा लीजिए। राजा मालदेव जिसे पसंद करते हैं उसे प्राप्त किए बिना नहीं रहते। अगर आप उनसे विवाह के लिए मना करेंगे तो आपकी जीजा सौभाग्य के वैवाहिक जीवन में विष घोलने जैसा होगा। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। दादा, जीजा जीजा आप उन्हें समझाइए, वो आपकी सारी बातें मानते हैं ना, उन्हें समझाइए कि हम ये विवाह नहीं करना चाहते, हम उनसे विवाह नहीं कर सकते। बेना, जो हो ही नहीं सकता उसके लिए प्रयास करके किसी का भला नहीं होने वाला। यूं समझ लीजिए जैसे हमने खेरवा की भलाई के लिए राजा जी से विवाह किया था, ठीक उसी तरह आपको भी खेरवा और हमारी रक्षा के लिए उनकी बात माननी होगी। अगर आप उनसे विवाह नहीं करेंगी तो अनर्थ हो जाएगा। क्षमा कीजिए, यह क्षेत्र अतिथियों के लिए वर्जित है। बहुत जल्द यह महल हमारा होगा और आप सब हमारे मेहमान। देखो देखो पागल हो गया ये बालक, ये महल किसका होगा। खंभागढ़ी हुकुम, वही पहले वाले मेवाड़ी सैनिकों ने फिर से उत्पात मचाने का प्रयास किया है। क्या? चलिए हमारे साथ। आपकी छोटी पुत्री के साथ हमारा विवाह होगा। जब तक राजा जी आपसे विवाह नहीं कर लेंगे स्वयं चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं। नहीं, हम ये विवाह नहीं कर सकते। किसी भी मूल्य मालदेव से विवाह नहीं करेंगे, नहीं करेंगे विवाह।
मेवाड़ के वीर सिपाहियों, आज हम खेरवा के उन क्षेत्रों पर आक्रमण करेंगे जो उनके खाद और रसद की प्रमुख जीवन रेखा है। आज रात खेरवा की खादान और निर्माण सामग्री को संपूर्ण नष्ट करके इन्हें बता देना है कि हमारा राजघराना भले ही मेवाड़ और मारवाड़ के बीच चली आ रही बरसों पुरानी शत्रुता को भुला रहा हो, पर हम इसे ना भूले हैं और ना भूलने देंगे। हम मारवाड़ की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या लाभ होगा इससे मेवाड़ को? क्षमा करें हुकुम, पर मारवाड़ के साथ आपकी नई मैत्री संधि हमें स्वीकार नहीं, और हमारी भांति सेना की कई अन्य टुकड़ियां भी इस संधि से उतना ही असंतुष्ट है। अगर ऐसी बात है तो इसका उत्तरदायित्व हम आपको सौंपते हैं। इन सब में से जितने भी असंतुष्ट हैं, उन सब के लिए आप एक प्रेरणा बनेंगे। इन सबको आत्मघाती राह पर चलने से आप रोकेंगे। अकबर राजपुताने के आसपास के सभी राज्यों को जीत हमें एक घेराबंदी में जकड़ने का प्रयास कर रहा है। कैसे लड़ेंगे हम उनसे? मारवाड़ और मेवाड़ के बीच माना कि शत्रुता पुरानी, लेकिन ये मुगल, ये तो विदेशी। अगर हमें इन मुगलों से लोहा लेना है तो हमें राजपुताने के सबसे शक्तिशाली राज्य यानी कि मारवाड़, हमें मारवाड़ के साथ मित्रता करनी होगी। या फिर आप ये चाहते हैं कि हम आपस में लड़ लड़कर अकबर की अप्रोच सहायता करते रहे? दीजिए उत्तर। हमें समझ आ गया हुकुम, क्षमा करें हमारी भूल के लिए। तो आज का हमारा नारा होगा जय राजपुताना, जय राजपुताना, जय राजपुताना, जय राजपुताना। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 यही कहेंगे, ढूंढो उसको। छोटी माँ, जीजा अपने कक्ष में आराम कर रही होंगी। यदि आपको कुछ चाहिए तो हमसे कहिए। नहीं, कुछ नहीं। बोझराज, जाकर राजपुत से अंतिम बात रख लीजिए। मन की बात राजपुत को पता कर, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। अजब दे, अजब दे। सुनिए, अजब दे कहाँ है? हम करने लगे। अजब दे,
सारा महल ढूंढ चुके हैं, क्या हमें कोई बताएगा अजब्दे कहाँ है? अजब्दे यहाँ से जा चुके हैं। क्या चली गई? कहाँ? वे बिचौलिया सही थी, बिचौलिया गई होंगी। ये क्या बोल रही हैं आप? अजब्दे आपकी सबसे प्रिय सखी है, वो सखी जिनके बिना आप यहाँ नहीं आ रही थी, और आज अपने फलदान के एक दिन पहले आप इतनी साजिदा से कह रही हैं कि वे जहाँ से आई थी वहीं चली गई होगी। कुंवर प्रताप, विवाह आपका और हमारा हो रहा है, फलदान भी आपका और हमारा ही है, फिर आप बिना बात इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, आपकी सखी अजब्दे की बातें कर रहे हैं। हमें तो आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि हम तो आपके बड़े दाता के कहने पर अपने मित्रों को आमंत्रित करने के लिए गए थे, और आप अपनी उस सखी को जिसे आप हट करके यहाँ लाई थी उसे अपने फलदान पे तक न रुका सकी। आश्चर्य तो हमें भी हो सकता है ना कुंवर प्रताप, कि जो हम आपकी होने वाली बिंदिनी आपके सामने खड़ी है, जो आपका मान रखते हुए ये प्रश्न भी नहीं उठा रही कि जब आप सबके सामने हमसे विवाह की बात कर रहे थे तो आपके और अजब्दे के मन में क्या चल रहा था? अजब्दे या हमारे मन में क्या चल रहा था उसे बीता कल बना चुके हैं हमको, और हाँ आप तो पहले ही हमारा वर्तमान बन चुके हैं पूर्व, किंतु जहां तक अजब्दे का प्रश्न है आज ना चाहते हुए भी हमें ये कहना पड़ेगा कि अजब्दे के साथ मैत्री से सदा केवल आप ही को लाभ हुआ है, क्योंकि आज तक अजब्दे ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, जब भी सोचा बस आपके लिए सोचा पूर्व। यदि आप हमसे अधिक उस जा चुकी सावन पुत्री के बारे में सोचेंगे तो हमें तो चिंता होगी ना कुंवर प्रताप। जब कोई अपने मित्रों में भी पद प्रतिष्ठा देखने लग जाता है तो उसकी समझ पे बस तरस ही खा सकता है। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि फूल कंवर मारवाड़ की राजकुमारी है, और आप मारवाड़ का महत्व जानते हैं जी। यदि आप इससे इस तरह से बात करें, वो भी एक साधारण सामंत पुत्री अजब्दे के लिए, तो क्या ये आपको शोभा देगा कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप, जो हो गया सो हो गया, आप आगे बढ़िए, इसी में हम सबकी भलाई है। आप सबको हो क्या गया छोटी माँ? घर आई अतिथि एक महत्वपूर्ण आयोजन से ऐन पहले चुपचाप चली गई, और महल में किसी को चिंता नहीं हो रही? हम फिर से यही कहेंगे कुंवर प्रताप, जाने दीजिए। नहीं नहीं छोटी माँ, इस विषय पर अब हमें रानी माँ से बात करनी है, और वो भी इसी समय। महाराज, 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 अलर्ट हो गया महाराज, मुगलों ने दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया महाराज। क्या? जलालुद्दीन पधार रहे हैं। हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं। जब स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट का ऐसा यूनिक कॉम्बो मिलेगा तो हर कोई यही कहेगा।